ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस 111 टेरी चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग बहुत ठीक हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। आप सभी लोगों का खुशामदीद, आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में हम लोग जाने वाले हैं फॉर द पीपल हु आर इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अगर आप किसी तरीके के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आज की रीडिंग है आप लोगों के लिए। ये है एक रिक्वेस्टेड रीडिंग। आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट करते हो, आप लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हो, वीकेंड्स पे मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। सो दिस इज वन ऑफ देम। आज हम जानने की कोशिश करेंगे करंट फीलिंग्स क्या चल रही है अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, उनके लव मैसेजेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज पाइल में मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे चेस के यहाँ पे हमारे पास रखे हुए हैं, चेस रखा हुआ है हमारे पास पूरा का पूरा। और ये है हमारे पास पाइल नंबर वन, ठीक है, दिस इज अ पाइल नंबर वन। आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। ये हॉर्स है चेस का, ठीक है, हॉर्स है चेस का पाइल नंबर वन। ये है ब्राउन कलर में एंड ये है हमारे पास वाइट कलर में, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, वाइट कलर में है ये। तो आपने या तो वो चूज करना है, ये वाला चूज करना है, ठीक है। दिस इज पाइल नंबर वन, दिस इज पाइल नंबर टू। अब आप लोग किसी एक को चूज करें पॉजिटिव तरीके से। आप लोग एक बार स्टॉप भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड देन आप चूज कर सकते हैं पाइल नंबर वन और पाइल नंबर टू, ठीक है। चलिए तो मैं शुरू करने वाली हूँ पाइल नंबर वन से, यानी कि जिन लोगों ने इस वाले हॉर्स को चूज करा है, तो इस वाले को मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस पाइल नंबर वन। जिन लोगों ने ये चूज करा है हमारा ब्यूटीफुल सा ब्राउन कलर का हॉर्स, सो गाइज आपके जो पर्सन है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स रख के बैठे हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। कार्ड्स आप लोगों के आगे ही शफल कर रही हूं मैं, आप लोगों की इच्छा रहती है कि मैं आप लोगों के सामने ही शफल करूं कार्ड्स, सो ठीक है, आप लोगों की इच्छा सर आंखों पर। शुरू करते हैं मन में गायत्री मंत्र का जाप या अपने लिए एक प्रेयर जरूर करें आप लोग। ये मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगी कि आप लोग अपने लिए प्रेयर जरूर करा करें। अगर आप लोग अपने लिए प्रेयर करते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं ना, तो आपसे कुछ ना कुछ तो रेजोनेट होता ही है, आपको कोई ना कोई तो गाइडेंस मिलता ही मिलता है फिर, ठीक है। एंड मुझे एक चीज और बताइएगा पाइल नंबर वन गाइज, आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है या नहीं, बिकॉज काफी लोग मुझसे बोल रहे हैं कि ऑडियो क्लियर नहीं हो पा रहा है। सो आई नीड एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द ऑडियो साइड, तो मुझे प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है, तो मैं उस चीज को सुधार कर सकूं उस चीज के ऊपर। सो पाइल नंबर वन पीपल हु चूज ब्राउन कलर हॉर्स, आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के, व्हाट दे आर बेसिकली थिंक ऑफ यू, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ बुरा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में चेक करेंगे। चलिए मैं भी अच्छे से बैठ गई हूँ तो चेक करते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है ये वाला कार्ड देखें। टेन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, आप लोग कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं पीपल, ठीक है, माय ब्यूटीफुल पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है एरीज लियो सजिटेरियस, तो आप लोग एरीज लियो सजिटेरियस या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, ओके, कार्ड्स बहुत बहुत ऐसे हो रहे हैं स्लिप स्लिप से, दैट मीन्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आपको पता है, आप लोगों को पता नहीं पता है या नहीं, बट कार्ड्स की पोजीशन से भी आप लोग पता कर सकते हैं कि पर्सन के दिमाग में दिल में क्या चल रहा है अभी। जो लोग आज का वीडियो देख रहे हैं ना पाइल नंबर वन, जिन लोगों ने चूज करा है वो काफी इमोशनल है, काफी ज्यादा इमोशंस रखते हैं वो लोगों के लिए, और वो जिस भी इंसान के लिए इमोशंस रखना शुरू करते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, वही उनको कहीं ना कहीं डिच करके जाने की कोशिश करता है और नेगेटिव उनको फील करवाता है, हर बारी उनके साथ ऐसा ही होता है ज्यादातर। सो पाइल नंबर वन पीपल, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ, दैट्स व्हाई मैंने इसको फ्रंट में ले लिया, ओके। तो आप लोग या तो टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं या फिर आप लोग एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे ऐसी नजर आ रही है कि
हाँ, मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज को देख पाए कि आपको देखना है वीडियो या नहीं देखना है। फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है, फाइल नंबर वन पीपल, आपके पर्सन ना आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप लोगों का किसी तरीके का कोई झगड़ा हुआ है या कोई नेगेटिविटी आई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बातें अभी रुक गई हैं। आप बात करना चाहते हो इनसे, ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं, और एक दूसरे को आप लोग देख नहीं पाते हो ना, तो और ज्यादा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग सी बढ़ रही है। क्योंकि मीडियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोन है। अब फोन के चीज से भी आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है, फोन की वजह से भी नहीं हो पा रही है, एक दूसरे का ईगो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, तो फिर कैसे पॉसिबल है, ठीक है। दिस पर्सन लव यू अलॉट, पाइल नंबर वन, आप बहुत लकी इंसान है, आपको ये पर्सन बहुत प्यार करता है। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आपके पर्सन कुछ इस तरीके के हैं कि प्यार बहुत करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, ठीक है। प्यार बहुत करते हैं, लाइक बहुत 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 करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। उनका मैटर कुछ ऐसा फंस जाता है कि नहीं, मैंने नहीं दिखाना भाई, साफ सी बात है, देखना है तो खुद देखो, मुझे नहीं पता, ठीक है। कुछ इस तरीके के मेरे को आपके पार्टनर यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि उनको ये फीलिंग आती है, नहीं मैंने नहीं दिखाना, मैं अंदर ही अंदर रखूंगा। हो सकता है आपके पार्टनर इंट्रोवर्ट है और उनको गुस्सा बहुत आता है, वो लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। आपसे ही नहीं और भी लोगों से वो लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। उनके साथ ऐसा होता होगा कि उनकी लड़ाई झगड़ा ना आसानी से हो जाता है, लोगों के साथ बहुत इजीली हो जाता है, एंड वो ऐसा करना नहीं चाह रहे होते हैं एक्चुअली, बट हो जाता है, उनका थोड़ा बिहेवियर ही ऐसा है। पाइल नंबर वन जो मैं यहाँ पे चीज देख रही हूँ वो है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक से किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चुप बैठे हुए हैं, चुप एकदम, और आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव भी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा चल रहा है, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यार क्या करूं, मैं उसको कॉल कर लूं, क्या मैसेज कर लूं, क्या बात करने की कोशिश करूं क्या उससे, शायद वो मुझसे बात कर ले, शायद वो मेरी तरफ देखने की कोशिश करे कि यार मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ कॉल मैसेज कुछ भी, ठीक है। लेकिन उनके दिमाग में ये थॉट आता तो है कि मैं कॉल कर लूँ, मैं मैसेज कर लूँ, लेकिन वो इस चीज को करना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो एक कहते हैं ना, उनकी जो एक फीलिंग है वो हर्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपको कॉल मैसेज कर लिया है। कह लो कि उनका ईगो में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि मुझे ये पार्टनर जो है आपके ईगोस्टिक से लग रहे हैं, थोड़े से नाइट ऑफ सोट्स का कार्ड है। सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा है कि मुझे बात करनी है, चाहे जैसे करूं, चाहे जैसे मर्जी मुझे इनसे बात करनी, लेकिन कैसे करूं ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है, अब उन्होंने जो भी किया है आप लोगों को अच्छे से पता है कि उन्होंने आपको कुछ गलत बोला है, गलत बोल के आपको ब्लॉक किया है, या फिर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हर्ट फील हो रहा है। तो मैं बता दूं कि वो उन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा विचार कर रहे हैं कि मैंने कितना गलत बोल दिया था उस वक्त, या मैंने किस कितना गलत तरीके से बात की थी, मैंने ना कितना नेगेटिव तरीके से, लाइक यार वो तो जान है मेरी, वो तो जान है, जहान है मेरा, सब कुछ है मेरा, लाइक ये पर्सन आपको बहुत कुछ मानते हैं अपनी लाइफ में, और अभी उनको ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि उन्होंने वो सब कुछ क्यों बोल दिया जो वो एक्चुअली में बोलना नहीं चाह रहे थे, इतना गुस्सा उन्होंने क्यों कर दिया यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नेगेटिविटी का कार्ड है, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाह रहे थे बट उन्होंने वो चीज कर दी, और अमूमन उनके साथ यही होता है, ठीक है। अमूमन उनके साथ ऐसा ही होता है कि वो करना नहीं चाह रहे होते बट हो जाता है, और फिर सबको लगता है कि देख कितना बेकार इंसान है, जबकि वो बेकार नहीं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक है। आपके पार्टनर दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ है। वो लोगों से ना कंपैरिजन कर रहे हैं अपना कि यार देख लोग किस तरीके के अच्छे होते हैं, अपने पार्टनर को कितने खुशी से रखने की कोशिश करते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, और मैं देख क्या कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा शांति में बैठ के ना वो सब बातों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने उनके लिए करी है, वो सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। मोरालिटी का कार्ड है, वो उन सब चीजों के बारे में, चाहे आप लोग कहीं घूमने गए हैं, चाहे आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया, चाहे फाइनेंसेस में, इमोशनल वे में, या फिर मिल करके जिस भी तरीके से आपने इनकी मदद करी है, उन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि यार मैं कितना गलत हूं, मैं कितना गलत कर देता हूँ कई बार, मैं ना वो ही इंसान है जो मुझे कंप्लीट करती है या करता है, वो ही पर्सन है जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करता है, और मैं क्या कर देता हूँ उसके साथ, मैं बस एक तरीके की नेगेटिविटी करवा देता हूँ, और फिर बाद में गिल्ट होता रहता है मेरे को, फिर मेरे को पछतावा होता रहता है, और
जबकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा है पाइल नंबर वन कि हमारा रिश्ता कोई आम उमन नॉर्मल सा रिश्ता नहीं है, इट्स समथिंग रियली वेरी बिग, इट्स समथिंग रियली वेरी इंटेंस. लेकिन उनको ऐसी फीलिंग आती रहती है कि यार मेरे कुछ बोलने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है बिकॉज वो मुझे माफ नहीं करने वाले. उनको काफी ज्यादा निगेटिव फील हो रहा है अभी, वो आपको लेकर के बहुत मिसिंग वाली वाइब्स फील कर रहे हैं. बार 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 आपकी डीपी देखना, आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश करना या कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, बट उनका ईगो जो है ना, उनका ईगो इतना ज्यादा हैवी हो चुका है, इतना हैवी हो चुका है दैट दे डोंट वांट टू लाइक दे वांट टू टेक स्टेप बट दे कांट. ठीक है, वो वाली फीलिंग अभी इनके लाइफ में चल रही है. दे वांट कि वो आपको सब कुछ बता दें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके साथ क्या करना चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, कहाँ क्या करना चाहते हैं, बट द थिंग इज टोटैलिटी वही वाली बात आ गई कि कर नहीं पा रहे हैं. ठीक है, और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं ये. ओके, सी एग्जिस्टेंस आपको सपनों में याद करते हैं, हो सकता है ये पार्टनर आपको सपनों में देख रहे हो. कई बार ऐसा होता है ना, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच रहे होते हैं वो चीज हमारे साथ होना शुरू हो जाती है. तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ना सपनों में देख रहे हैं बिकॉज दे आर मिसिंग यू बैडली, बहुत गंदे तरीके से मिस कर रहे हैं. उनको कहीं भी सुकून सा महसूस नहीं हो रहा है और उनको अपने किए पे बड़ा पछतावा है. उनको इतना गंदा महसूस हो रहा है ना कि मैंने ऐसा क्यों किया. उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, ऑफकोर्स है उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन, लेकिन आपके सामने कन्फेस नहीं करना चाहते. उनको लगता है मैंने कन्फेस कर दिया ना तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी भाई. ओके यार, ऐसा भी क्या, मतलब ईगो इस तरीके का भी क्या. उनको ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है यहाँ पे, तो साफ सी बात है इन सब चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस भी फील कर रहे हैं. वो बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेस का कार्ड है, आई होप दिख रहा है आपको. तो इन सब चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है बेचारे, और गुस्सा भी आ रहा है उनको, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, अपने किए के ऊपर गुस्सा आ रहा है. उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो गलत हो गया मुझसे, मतलब एक दाव ऐसा खेला खेल गए वो लोग, वो जो आपके पर्सन है वो ऐसे कुछ दाव खेल गए हैं जो अभी उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया. ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ही अपने टशन में बोला हो कि हाँ मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, जाओ. ठीक है, और वो ही चीज फिर यहाँ पे उनको ही भारी पड़ गई है क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा है. काफी सोच रहे हैं, सोच विचार बहुत ज्यादा चल रहा है यहाँ पे. तो चलो चेक करते हैं कि नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहने वाला है, नेक्स्ट एक्शन ये क्या लेने वाले हैं आपको लेकर, कि कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे. दे वॉन्ट टू टेक एन एक्शन, ये तो हमें पता ही है. क्या एक्शन लेंगे प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें, कोई एक्शन इनकी तरफ से. एम्परर भाई अभी तो ऐसे ही गुस्से में बैठे रहने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा आपको नेगेटिव और कर देंगे. ठीक है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कर देंगे. वर्ल्ड का कार्ड है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई ना कोई फ्रेंड है इनका या कोई ऐसा पर्सन है जो कि और इनको भड़काता है. कंट्रोल का कार्ड आया था ना हमारे पास, कोई तो ऐसा है जो कि इनको भड़काता है, जो इनको ऐसे बोलने की कोशिश करता है अरे रहने देना आएगी तो अपने आप आ जाएगी, आएगा तो अपने आप आ जाएगा, व्हाई यू वांट टू पुट एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप, अरे भाड़ में जाने दो ना, तुम अच्छा डिजर्व करते हो, बेस्ट डिजर्व करते हो. और इस पर्सन को आपसे जो भी मदरली वाइब्स आती हैं, जिस भी तरीके की मदरली वाइब्स आती है ना, उस चीज को लेकर के भी वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर देता है. अब ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसर इनका कोई दोस्त हो सकता है, कोई कजिन हो सकता है, कोई ऐसा इनका हो सकता है जो कि वेल विशर बन रहा है, लेकिन बदले में क्या दे रहा है, नेगेटिविटी. सो गाइज, बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड है, बट जो भी कंडीशन हो, दिस पर्सन वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू फ्रेश फेस विद यू, लेकिन बेचारे कर नहीं पा रहे. चलो इधर से देखते हैं क्या आता है, आपका क्या मिस कर रहे हैं वो. ठीक है, ये भी देख लेते हैं फ्रॉम दिस हीलिंग कार्ड्स. वैसे तो ये हीलिंग कार्ड्स हैं, बट देख लेते हैं कि आपकी वो कौन सी चीज उनको इतनी ज्यादा लुभाती है कि अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं. ओके, सो वी हैव टू कार्ड, पर्पस एंड रिलीज. मैंने बोला था ना कि एक उनको पता है कि ये बियॉन्ड इल्यूजन एक तरीके का डिवाइन एक कनेक्शन है जो कि ऐसे ही नहीं टूट सकता है. उनको ये चीज पता है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, इस वजह से भी गिल्ट हो रहा है कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूं. तो पर्पस एंड रिलीज, उनको आपको सब कुछ पसंद है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी पसंद है. बस एक चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो है कि वो चाहते हैं आपसे फॉरगिविंगनेस, कि आप उन्हें माफ कर दें और सामने से आप खुद ही आके उन्हें माफ करें. इनको ये भी है चक्कर कि वो खुद आके मेरे को माफ करें, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ यही है उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना, उसके साथ अपनी पूरी लाइफ को देखना, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं मैं चीजों को रिलीज नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं आ पा रही है चीजों को रिलीज कर देने की. ठीक है, ओके, तो
कुछ लव मैसेजेस भी देखते हैं फ्रॉम दिस पार्टनर. यहाँ ये मैंने एक बॉक्स बना रखा है जिसके अंदर सारे मैसेजेस रहते हैं, तो मैं जो भी मैसेज निकले सो फर्स्ट मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर इज काश सब सही होता. आई होप आप लोगों को दिख रहा है. लेट मी लुक इट क्या आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. आई थिंक आप दिख रहा है. काश सब सही होता. सो दिस पर्सन वॉन्ट कि काश सब कुछ सही होता. देन है हमारे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली का डिस्टर्बेंस हो, बर्डन हो आप दोनों के बीच में. यू एक्सेप्ट माई सैडनेस, तो उन्हें पता है कि आप उनकी सैडनेस को एक्सेप्ट करते हैं. तुम जानते ही नहीं तुम क्या हो मेरे लिए, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप जानते नहीं कि वो आप क्या हो उनके लिए. देन वी हैव तुम हर पल ख्यालों में होते हो. पोलाइट डिवाइन, मैंने बोला था ना कि उनको पता है कि डिवाइन ने आप दोनों को मिलवाया है, आप दोनों एवे नहीं मिले हो. एस है हमारे पास. देन वी हैव लव नेचर, तो इनको नेचर का बहुत ज्यादा शौक होगा, शायद नेचर में जाके चुपचाप बैठ जाते होंगे. स्मार्ट भी तो हो. ओके, तो उनको ये भी फीलिंग आती है कि आप बहुत स्मार्ट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, खूबसूरत भी हैं. आई लव योर डीप आईज, दे लाइक योर आईज एंड यू फॉरगिव मी. मैंने बोला था ना फॉरगिवनेस चाहते हैं वो आपसे, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ करें. आई लव योर चीक्स, और उनकी तरफ से एक प्यारा प्यारा भरा किस, प्यार भरा किस. एंड आई लव व्हेन यू शाय, तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप शाय फील करते हो, जब आप मुस्कुराते हो, ब्लश करते हो, शर्माते हो, लजाते हो, तो वो चीज़ें इनको काफ़ी पसंद आती हैं. सो गाइस, करंट फीलिंग्स तो हमने जान लिए, उनके मैसेजेस भी जान लिए. नेक्स्ट स्टेप अभी कुछ नहीं होने वाला है, अभी तो बैठे रहेंगे. आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता लगे कि ये मुझे स्टॉक कर रहा है, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है, बट अभी एज सच मुझे कुछ खास यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है. ठीक है, सो पाइल नंबर वन, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग. आप लोगों ने जिन्होंने भी इसको चूज किया था ना, ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी. अगर हुई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अपना अपना ध्यान रखिएगा. किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें. अपना अपना ध्यान रखें. बाय. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू, तो जिन लोगों ने ये व्हाइट कलर का प्यारा सा हॉर्सी चूज किया था, तो ये है आप लोगों की रीडिंग. चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं दैट आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और कैसे क्या आगे करने वाले हैं. एनी काइंड ऑफ स्टेप दे वॉन्ट टू टेक फॉर यू, ईच एंड एवरीथिंग हम जानेंगे आज के रीडिंग में. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो फर्स्ट कार्ड व्हाट वी हैव, टू कार्ड्स हमारे पास आए हैं, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल कार्ड. ठीक है, दो कार्ड आए हमारे पास, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड फूल कार्ड. आप लोग हो सकता है एरीज लियो सेजिटेरियस है, अगेन एरीज लियो सेजिटेरियस, या फिर जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है आप लोग. एरीज यहाँ पे मेन दिख रहा है एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप लोग. बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ सोर्ड्स. दिल दुखा हुआ है इनका बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दिल दुखा हुआ है भाई, बहुत ही ज्यादा दिल दुखा हुआ है और बहुत निराश है अपनी जिंदगी से, बहुत ज्यादा निराश है लाइफ. इनको ऐसा लग रहा है जैसे स्टक हो चुकी है, अब जिंदगी में कुछ अच्छा बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लाइफ एकदम खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुका है सब कुछ, और अब जिंदगी में आगे कभी कुछ बढ़ने वाला नहीं है, सब कुछ एकदम फ्लॉप हो गया है. और क्योंकि ये आपसे दूर है, तो इनको ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि ये आपसे दूर क्यों है, क्यों ये सब कुछ इतनी गंदी नेगेटिविटी क्यों चल रही है, ये सब कुछ इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्यों क्यों, एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने बना लिया, एक बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क जिसका आंसर उनके पास नहीं है. आप दोनों की अभी अगर बातें हो भी रही हैं तो ऑन एंड ऑफ है, मतलब एक बहुत ही अच्छा खासा क्लियर कट में चीजें यहाँ पे नहीं देख रही हूँ. अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं गाइस, तो
दे आर थिंकिंग दैट यू आर अ रियली वेरी ब्यूटिफुल पर्सन जिससे वो आज तक अपनी जिंदगी में मिले हैं. यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द ब्यूटिफुल पर्सन इन देयर लाइफ. लेकिन वो आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा गंदा महसूस होता है, उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, उनको ऐसी फीलिंग आती है कि यार किस तरीके का इंसान हूं मैं जब मैं कुछ चाह कर ही नहीं सकता हूँ, मैं जब कुछ चाह ही नहीं सकता हूँ तो ऐसा क्यों. उनको ना बहुत ज्यादा लॉस वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि वो आपसे ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ उनका लॉस्ट हो चुका है, लाइफ एकदम रुक चुकी है, जिंदगी खराब हो चुकी है और अब कुछ भी शेष नहीं है, जबकि उनको ये नहीं पता कि अभी बहुत कुछ बाकी है. लाइक देखो ना, इसके इस बंदे के पास, अकेले के पास कितनी सारी सोर्स है, लाइक 3 swords इसके पास है अभी हाल ही में, बट ये उन सब चीजों की तरफ नहीं देख रहा है. तो ये आपके जो पर्सन है ना, अभी उन उन चीजों की तरफ नहीं देख रहे हैं जो एक्चुअली में इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बस ये एक इसी चीज में लगे हुए हैं कि नहीं यार खत्म, नहीं यार खत्म, वो वाली चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं. ये एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, आपको आपसे मूव ऑन करना करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई जिंदगी सोच रहे हैं ये, ठीक है. लेकिन नई जिंदगी भी नहीं शुरू कर पा रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई है जो इनको रोक देता है, ठीक है. आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं एक डॉग की फिगर है, तो इनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई है जो कि इनको रोक देता है हमेशा, आपकी आपके पास आने से भी और आपसे दूर जाने से भी. कुछ ऐसा है जो इन्हें रोक देता है. पास आने का इनको पता है कि कौन रोकता है, ठीक है, ये आपको भी पता होगा. मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इश्यूज नजर आ रहे हैं. ये थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ पेनिकल कोई वुमेन है जो कि काफी एज की है. अब ये उनकी कोई मदर फिगर भी हो सकती है, ये उनकी कोई वाइफ भी हो सकती है, ये उनकी कोई बड़ी बहन भी हो सकती है, कोई कोई मेच्योर लेडी भी है यहाँ पे, ठीक है, जो कि रोक रही है आपके पर्सन को आपके आप तक आने में. तो ये कोई भी हो सकती है, ठीक है. तो जिस तरीके से वो रोक रहे हैं ये लोग, उस वजह से भी ये बंदा काफी खिंचा हुआ है. इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार क्या है जिंदगी, जिंदगी खराब है, मेरे तो बर्बाद लाइफ है एकदम, थर्ड क्लास लाइफ, ठीक है. ये भी फीलिंग आ रही है, दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, बहुत बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन करियर पे भी फोकस नहीं हो पा रहा है, ठीक है. लाइक बहुत ही ज्यादा निराश है, एक नई जिंदगी नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी में जी रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि अब सब कुछ लुट चुका है, बर्बाद हो चुका हो जैसे, ठीक है. बिकॉज आप उनकी लाइफ में नहीं हो और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए. काफी स्ट्रेस भी फील करते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर स्ट्रेस फील करते हैं. हमारे पास है मोरालिटी, मोरालिटी है हमारे पास. तो उनको अपने मोरल, एक जो एक मोरल वैल्यूज होती है ना, वो भी उनको बहुत ज्यादा याद आ रही है कि यार मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने उसको सपने दिखाए, बहुत कुछ मैंने उसको बोला और फिर मैंने क्या किया, उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया. बहुत ही परेशान है बंदा यार, बहुत ही ज्यादा परेशान है. काफी मजबूर भी लग रहे हैं, मतलब इतने मजबूर लग रहे हैं ना मुझे ये, बहुत ही ज्यादा मजबूर लग रहे हैं. फिर हमारे पास लेटिंग गो, हो सकता है आप इनको लेट गो करने की कोशिश करें, आप मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा. बर्डन, बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव बर्डन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर. कार्ड, मैं चाहती हूँ ये कार्ड खुद से निकले. वो कहीं ना एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं कि शायद इसलिए कार्ड नहीं निकल रहा था क्योंकि इतने लेजीनेस में आ गए हैं ना ये आपके पर्सन, कुछ भी करना इनको अच्छा नहीं लग रहा है. हालांकि सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं अभी, लेकिन अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं. हर वक्त एक तरीके की नेगेटिविटी और एक लेजीनेस फील होती रहती है उनको, एक तरीके का बर्डन फील होता रहता है. और वो ना किसी लॉन्ग वेकेशन पे चले जाना चाहते हैं. इतना अक गए हैं ना जिंदगी से, इतना उकता चुके हैं, इतना ज्यादा फाइट कर करके बोर हो चुके हैं कि वो चाह रहे हैं कि यार बस अब बहुत हो गया, मैं ना अपना सारा झंगा झोला उठा करके
ना सारा जंगा झोला उठा करके मैं जा रहा हूं। बस यार बहुत हो गया अब, मैं ना दुखी हो चुका हूँ इन सब लोगों से। मैं अब कुछ अच्छा चाहता हूँ अपनी जिंदगी के अंदर। और ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही आना चाहते हैं, वो एक शांति भरी जिंदगी को जीना चाहते हैं, एक ऐसी शांति भरी जिंदगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुकून हो। लेकिन जब भी वो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं जाने वाने की कोशिश करते हैं ना, तो भी उनका सब कुछ पोस्टपोन्ड हो जाता है। यानी कि एंजल स्पिरिट्स हैं जो उन्हें मूव ऑन नहीं करने दे रही हैं, ठीक है। वो बार बार आपके पास आ जाते हैं, वो हर बार आपके पास आके वापस से मुड़ जाते हैं, वापस से चले जाते हैं, आपको भी डिस्टर्ब करते हैं, ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, और अपनी जिंदगी से उकता चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं आपको लेकर के। वो सोच रहे हैं कि यार इतनी अच्छी इंसान है, इतना सब कुछ अच्छा है, करियर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, देन वाई आई एम नॉट अच्छा। मैं अच्छा क्यों नहीं हूं, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मैं अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मुझे क्यों साइलेंस में बैठना पड़ रहा है, मेरे दिमाग में क्यों इतने कीड़े हो गए हैं, मैं क्यों माइंड गेम्स में पिस रहा हूं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की जो लाइफ में उसके घर वाले जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कार्मिक पेरेंट्स हो सकते हैं, कार्मिक लोग हो सकते हैं, जो कि उसको फाइट करने पर, अपनी जिंदगी से ही फाइट करने पर, लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करते हैं, काफी ज्यादा कंट्रोल करते हैं आपके पार्टनर को, हर तरीके के मोरालिटी का ज्ञान दे देते हैं कि यार देखो तुम्हारी ये फर्ज बनते हैं, ये फर्ज बनते हैं, ये फर्ज बनते हैं, और ये बंदा फर्ज के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ बर्डन ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का बर्डन। देख रहे हो आप इस पर्सन के ऊपर कैसे एक और आदमी बैठा हुआ है, तो ये आदमी क्या है, ये सारा का सारा बोझ है जो इनके ऊपर चल रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारे घर की जिम्मेदारियां हो, और अब वो इन सब जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाह रहे हैं, वो इतने उकता चुके हैं, इतने थक चुके हैं वो जिम्मेदारियों को निभा निभा के, कि अब वो कोई जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। दे वॉन्ट टू लिव देयर लाइफ लाइक एक स्मूथ फेस की तरह, एक जैसे कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज आगे जा रही है, कोई रुक नहीं रहा है, बस वो आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वो चीज वो बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में वो अकेले इधर उधर कहीं जाना भी नहीं चाहते, बिकॉज वो तंग हो चुके हैं, इस अकेलेपन से तंग हो चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मतलब एक तरीके का मैं यहाँ पे देख रही हूँ डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, ठीक है, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन। देखते हैं कोई स्टेप लेने वाले हैं क्या आपके लिए, क्योंकि और कार्ड निकालूंगी मैं तो वही आएगा डिस्टॉर्टेड। क्या स्टेप लेना चाहते हैं, डेथ का कार्ड है, हाँ कोई तो स्टेप लेना चाह रहे हैं वो आपके लिए। प्लीज इनको बताएं क्या स्टेप लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। होप्स रखो गाइस, ये पर्सन आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का कोई मैरिज का स्टेप लेने को तैयार है। ये कोई मैरिज का स्टेप ले सकते हैं आपके लिए, कि आपको बोल सकते हैं कि यार हम ऐसा कर लेते हैं, इससे क्या होगा ना कि लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा, वो वाली बातें हैं। चैरियट बहुत जल्दी, अगर मैं आप लोगों को टाइम बताऊं, यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है, अगर मैं आप लोगों को टाइम बताऊं पाइल नंबर टू, तो ये टाइमिंग मेरे को लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, कम से कम 1 महीना और आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। चलो देखते हैं उनको क्या पसंद है आपका, ऐसा क्यों वो पीसफुलनेस, उनको आपकी शांति बहुत पसंद है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपका इतना बुरा किया, स्टिल आपने हमेशा उनको प्यार दिया है। पेशेंस, सेम मैंने कहा ना, आपने उन्होंने आपका इतना बुरा किया है बट हमेशा आपने उनको प्यार दिया है, आप हमेशा पेशेंस में हमेशा पॉजिटिव तरीके से रहे हैं, हमेशा आपने उन्हें इतना प्यार दिया है, इतने पेशेंस के साथ आप रहे हैं, आपने हमेशा उनकी लाइफ में एक तरीके की शांति लेकर आए, आप हमेशा पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, वो चीज़ें उनको बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस, मैंने ये बॉक्स ले रखा है मैसेजेस के लिए, इनमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो चेक करते हैं जो भी मैसेज आए। एक और गिर गया था नीचे, यू टॉलरेट मी, जानती हूँ बहुत परेशान किया है। तो उनको ये चीज पता है कि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। ऑर्गेनाइज, सो ये पर्सन काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहते होंगे, ये हो सकता है अपने काम को लेके बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। फूडी प्लस फन लविंग, तो ये फूडी भी है और फन लविंग भी है। मेरा चेहरा तुमने ही पढ़ा है, तो इनको पता है कि आप ही हैं वो इंसान जो इनको सबसे ज्यादा समझते हैं, ठीक है। शायद नफरत करते होंगे, तो इनको अभी ये लग रहा है आपके आपको लेकर के कि शायद आप उनसे नफरत करते होंगे। योर बॉडी, तो इनको आपकी बॉडी को लेके भी बहुत क्रेविंग हो रही है। तुम्हारे झूठ भी सच्चे हैं, तो उनको पता है कि आपके जो झूठ है ना वो भी सच्चे हैं। तुमने मोटिवेशन दिया है एंड योर
योर ब्लू ब्लू आईज, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. मैंने बोला इतना लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही क्या. फिर है स्टार्टिंग में आवाज नहीं पर आज आवाज से भी प्यार है. ओ माय गॉडनेस. फिर है हमारे पास तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, उनको ऐसा लगता है. आई लव कॉज यू आर माई एंजल, तो वो आपको एंजल्स के तौर पर देखते हैं. तुम खास हो, तुम प्यारे हो, तुम स्वीट हो. यू उनका इनिशियल हो सकता है या आपका. यू रेस्पेक्ट मी एंड वट वी हैव बोल बेटू बोलते हो, तो हो सकता है वो आपको बेटू बोलते हो, बेबी बोलते हो. जैसे तुम मेरे कमियों को छुपाते हो, तो आप हो सकता है उनकी कमियों को छुपाते हैं. आई सी यू एज माई वाइफ बट, तो ये बट ही तो खत्म नहीं हो रहा लाइफ से. मेरी जिंदगी में जैसे तुम लाइट बनकर आए हो. वाओ ब्यूटिफुल. फिर हमारे पास द वे यू लुक एट मी, आह आई लव यू. ओके हैवी आईब्रोज, तो हो सकता है उनकी हैवी हैवी आईब्रोज हो. यू आर पेशेंसफुल विद मी, पेशेंस की बहुत बात हो रही है. मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत 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 बुरा किया आपके साथ, बहुत दिल दुखाया, बट आपने फिर भी इन्हें हमेशा माफ किया है. तुम उल्लू बन जाते हो जानते हुए भी. जिसने दिल से समझा है वो सिर्फ तुम हो. ब्यूटिफुल आईज, स्टॉक करते होंगे मे बी आपको. आई लव योर लिप्स एंड द वे यू टच मी, सो दे आर मिसिंग यू बैडली गाइज, मिसिंग यू बैडली. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग. जिन लोगों ने ये वाला चूज किया था हॉर्स कलर का, व्हाइट कलर का, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशन के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं. खुद से बहुत सारा प्यार करें, अपने बारे में ज्यादा सोचें, अपने आप से सेल्फ लव करें, बहुत सारा प्यार. बाय.